हेलो चिल्ड्रन आई वेलकम यू टू दिस वीडियो ऑन मैग्नीफेसन ऑफ लेंसेज आई यू अबाउट मैग्नीफिकेशन ऑफ़ द स्फेरिकल मेर आल्सो बोथ आर वेरी सिमिलर थिंग्स कनेक्टेड थिंग्स बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि हमें मैग्नीफिकेशन बता दीजिए समझ में नहीं आता है तो आज ये स्पेशल वीडियो है जिसमें केवल मैग्नीफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे कुछ उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे उनको कैसे करना है और कुछ एंड एक्सरसाइज देखेंगे अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा बोर्ड के एग्जामिनेशन मैग्निफिकेशन से कनेक्टेड तो मैग्निफिकेशन क्या है मैग्निफिकेशन इट्स वेरी सिंपल यू you नो know, uh, मैग्निफिकेशन जो है वो इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज का रेशियो है ठीक है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है और इमेज की हाइट क्या है उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ लेटर एम ठीक है अगर मैंने अपने ऑब्जेक्ट की हाइट को एच से रिप्रेजेंट करा है और अगर हमने अपनी इमेज की हाइट को एच डैश से रिप्रेजेंट करा है तो जो मैग्निफिकेशन है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश बाई एच फिलहाल के लिए इतना समझ लें फिर हम वापस लौटेंगे तो हम इनका रिलेशनशिप देखेंगे विद डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठीक है तो अब आपको मैं इसके साइन कन्वेंशन और ये सब समझाता हूँ अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कन्वेक्स लेंस का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ठीक है तो अगर मान लीजिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो F1 और 2F1 के बीच में है ठीक है तो ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है इसको हम जो मेजर करेंगे इसको हम Y एक्सेस के अकॉर्डिंग uh, मेजर करते हैं ठीक है दिस इज़ द Y एक्सेस जो हम U मेजर कर रहे हैं वो हम X एक्सेस अगर आप ग्राफ से कंपैरिजन करें तो हम X एक्सेस में मेजर uh, करते हैं और हमारा u और v फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर हम मेजर करते हैं अगर वो लाइट की दिशा के ऑपोजिट है यानी कि अगर हम इस तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हम उसे नेगेटिव में लेते हैं जबकि अगर हम लाइट की दिशा में यानी कि हम राइट right की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं ऐसे ही जब हम हाइट मेजर करते हैं तो अगर हम हाइट को ले रहे हैं तो अगर हम हाइट ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव में लेंगे ठीक है तो हमारा एच डैश जो है एच जो है वो पॉजिटिव हो गया हमारा एच जो है वो पॉजिटिव हो गया अब इस पोजिशन पर जो ये इमेज बनेगी जो ये इमेज बनेगी ये कहाँ बनेगी आ, हम इसको बना के देख लेते हैं हम एक पैरेलल रे लेके आते हैं और वो फोकस से होती हुई गुजर जाती है दूसरी हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके आते हैं और वो सीधी चली जाती है ओके okay? तो आप देख रहे हैं हमारी इमेज जो है वो बियॉन्ड टू एफ टू बन रही है ठीक है रेस जो हैं वो एक्चुअली मिल रही हैं तो हमारी जो इमेज है वो रियल है जब भी इमेज रियल होती है तो वो इन्वर्टेड होती है आपको ये हेड नीचे की तरफ दिख रहा है अब ये प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे हो गया यानी कि ये नेगेटिव है ओके okay, हमारा एच डैश नेगेटिव है और वहीं दूसरी तरफ हमारा जो एच है वो पॉजिटिव है हमने अभी अभी पढ़ा कि जो मैग्निफिकेशन है वो इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो है तो यहाँ पे जो मेरी इमेज है जो मेरी इमेज हाइट है वो नेगेटिव में है और जो मेरी ऑब्जेक्ट हाइट है वो पॉजिटिव में है ओके तो जो मेरा मैगनीफिकेशन आएगा वो नेगेटिव में आएगा इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि दोनों एक रेशियो है सेंटीमीटर अगर हाइट ऊपर है तो सेंटीमीटर नीचे भी है सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गए तो इसका कोई यूनिट नहीं है तो जो भी यहाँ पे हमारे पास नंबर आएगा न्यूमरल आएगा विद द नेगेटिव साइन ओके तो नेगेटिव साइन जब भी हमारे को मैग्निफिकेशन का दिया हुआ है उससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है अब हम दूसरा केस लेते हैं इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है अब वो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है ओके तो हम दो रेज तो हम दो रेज लेके आते हैं पहली रे पैरेलल आती है टू द प्रिंसिपल एक्सेस और रिफ्रैक्शन के बाद F2 से होती हुई गुजर जाती है ठीक है ये हमारी पहली रे है दूसरी रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से अगर लेके जाएं तो वो अनडिविएटेड पास हो जाती है ठीक है अब अब ये दोनों रेज जो हैं ये हमें दिख रहा है कि ये मिलने वाली नहीं हैं ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं और कभी मिलने वाली नहीं है विच मीन्स अब इस केस में हमें रियल इमेज नहीं मिलने वाली है तो हम इमेज हमें कैसे मिलेगी हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों ऐसा लगता है जैसे इस जगह पे आके मिल रही हैं ठीक है हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों इस जगह पे आके मिल रही हैं तो जहाँ पे वो मिल रही हैं वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डॉटेड परपेंडिकुलर क्योंकि एक ये वर्चुअल इमेज है तो हम एक डॉटेड परपेंडिकुलर बनाते हैं जहाँ पे वो मिल रही हैं उसे हम ए डैश कहते हैं और जहाँ पे वो प्रिंसिपल एक्सिस uh, को काटती हैं उसे बी डैश कहते हैं तो ये जो डॉटेड एरो है ये अब हमें हमारी इमेज की पोजीशन बता रहा है तो अब इस केस में अगर हम मैग्नीफिकेशन देखें तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन है हमने कहा कि वो रेशियो है इमेज हाइट का ऑब्जेक्ट हाइट से तो इस केस में अब मेरा ऑब्जेक्ट तो हमेशा उसकी हाइट पॉजिटिव में होगी अब इस केस में आप देख रहे हो कि इमेज की हाइट भी पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव विल गिव मी प्लस ओके पॉजिटिव आएगा तो जब मेरा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका ये मतलब है कि मेरी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है ओके okay? अब अब हम इसको देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हम मैग्नीफिकेशन uh, को इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखते हैं तो हमने देखा कि जो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट है दैट इज़ इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस अपॉन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मैं इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो लेता हूँ तो वो भी मुझे सेम वही मैग्निफिकेशन देता है जो मेरी इमेज uh, हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो आता है ये कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं इसको समझने के लिए हमें सिमिलर ट्राइंगल्स की जानकारी होना ज़रूरी है तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। तो अब हम ये केस देख रहे हैं ठीक है इस केस में जो हम ये केस देख रहे हैं इस केस में ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमें इमेज मिल रही है ए डैश बी डैश वो यहाँ पे मिल रही है हमारा ऑब्जेक्ट टू एफ़ वन थे पे था तो जो हमारी इमेज मिली वो टू एफ़ टू मिली ठीक है अब हमें मालूम है कि मैगनीफिकेशन जो है वो एच डैश अपॉन एच है ओके विच मीन्स ए डैश बी डैश की जो हाइट है अपॉन ए बी की हाइट अब हम इसमें सिमिलर ट्राइंगल्स छांटने की कोशिश करते हैं पहले हम प्रिंसिपल सेक्शन बना लेते हैं अपने लेंस का ओके और सिमिलर ट्राइंगल्स छांटने की कोशिश करते हैं तो आप पहले अगर इधर देखते हो ओके पहले अगर ये देखते हो दिस इज़ दिस इज़ एच एंड दिस इज़ एच डैश ओके और अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हो तो ये वाला जो एंगल है एंगल ए बी वो एंगल ए डैश ओ बी डैश के बराबर है और एंगल ए बी ओ नाइन्टी डिग्री है और एंगल ए डैश बी ओ भी नाइन्टी डिग्री है तो फिर जो ट्रायंगल ए बी ओ है वो सिमिलर हो गया टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ ठीक है तो जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उसके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है ओके विच मींस इन दिस केस ए बी बाय ए डैश बी डैश इज़ इक्वल टू बी ओ बाय बी डैश ओ डैश ओके तो इसमें अब ए बी क्या है ए बी एच है ओके ए डैश बी डैश क्या है ए ब डैश बी डैश एच डैश है ओके ओ बी क्या है ओ बी हमारा यू है ओके okay? और बी डैश ओ क्या है बी डैश ओ हमारा वी है तो अगर हम इसका अब रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमें मिल जाता है एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू ठीक है तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इसकी डेरिवेशन वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है बस समझाने के लिए ये बताया ओके तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको डिलीट करते हैं अब अगर हम इसी फिगर में एग्जाम्पल लें और हम बोलें कि ये जो हाइट थी ये टू सेंटीमीटर थी ओके और यहाँ पे जो आ, है एच डैश वो भी टू सेंटीमीटर्स है इट। हम अगर कहते हैं कि इसकी फोकल लेंथ जो थी वो पंद्रह सेंटीमीटर्स थी तो मतलब टू एफ़ वन हमारा हो गया थर्टी सेंटीमीटर्स इट। तो इसी तरह हमारा टू एफ़ टू भी थर्टी सेंटीमीटर्स हो गया इट तो अब हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो मेरा एम इज़ टू एच डैश बाई एच ओके तो यहाँ पर मेरा एच डैश माइनस टू सेंटीमीटर्स है और मेरा एच टू सेंटीमीटर्स है तो मैं मेरा मैगनीफिकेशन आ रहा है माइनस वन ठीक है और अब मैं अगर दूसरी तरफ से देखूँ वी अपॉन यू ओके तो मैं वी अपॉन यू लेता हूँ तो मेरा वी जो है वो पॉजिटिव है वो थर्टी सेंटीमीटर्स है और मेरा यू जो है वो नगेटिव है माइनस थर्टी सेंटीमीटर्स है तो फिर भी मुझे माइनस वन ही मिलता है गॉट इट तो अब इन चार चीज़ों में से अगर कोई एक नहीं दी हुई है तो हम उसे निकाल सकते हैं या मैग्निफिकेशन दिया है और केवल यू दिया है या केवल बी दिया है तो हम बाकी दूसरा निकाल सकते हैं इस तरह के हम क्वेश्चन कर सकते हैं ओके लेट मी नाउ टेक यू टू अ क्वेश्चन अ न्यूमरिकल सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी कंप्लीट हो जाए तो अब आप इसमें देख रहे हो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है इसमें जो हम एग्जांपल है उसी को सॉल्व करेंगे ओके okay, इसमें कह रहे हैं कि एक कंकेव लेंस है एक कंकेव लेंस है जिसकी कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स है ओके okay? तो जो कनकेव लेंस होता है अगर आप देखोगे उस पर पैरल बीम आपने डाली तो वो डाइवर्ज होता है मतलब उसका फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है ओके okay? मतलब कंकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है ओके okay? तो दिस इज़ माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर्स और वो कह रहे हैं कि एट वॉट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ओके यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट टेन सेंटीमीटर्स वो कह रहे हैं जो वी है वो हमारा टेन सेंटीमीटर्स पे है तो अब वी हम पॉजिटिव लेंगे क्या या नेगेटिव लेंगे तो इसमें भी आपको ये याद रखना है कि जो कंकेव लेंस है उसकी इमेज तो हमेशा ही वर्चुअल बनेगी ठीक है हमेशा ही ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में बनेगी विच मीन्स कंकेव लेंस का वी भी हमेशा नेगेटिव होता है ओके okay? तो हमारे को उन्होंने दिया है कि एफ जो है वो माइनस फिफ्टीन है और वी जो है वो माइनस टेन सेंटीमीटर है और इसका मैग्निफिकेशन निकालिए यू निकालिए उसके बाद मैग्नीफिकेशन निकालिए ठीक है तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन हम लिखते हैं गिवन एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है एफ़ इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर्स और वी इज़ इक्ल टू माइनस टेन सेंटीमीटर्स दिया हुआ है अब हम से ये पूछ रहे हैं कि यू क्या है और ये पूछ रहे हैं कि एम क्या है ओके okay? तो सबसे पहले तो हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे ओके okay? तो ये लिखना ज़रूरी है लिखने से आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है यूजिंग लेंस फार्मूला वन बाई एफ़ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू ठीक है हम वैल्यूज पुट करते हैं तो माइनस वन बाय फिफ्टीन इज इक्वल टू माइनस वन बाय टेन माइनस वन बाय यू ओके हम वन बाई यू उधर ले जाते हैं तो इट बिकम्स वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाय फिफ्टीन माइनस वन बाय टेन ठीक है हम एल लेते हैं तो थर्टी हो जाता है और ये टू माइनस थ्री हो जाता है विच इंप्लाइज दैट माई यू इज इक्वल टू माइनस थर्टी सेंटीमीटर्स ठीक है तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट थर्टी सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द लेंस पहला हमने जवाब दे दिया अब दूसरा वो हमसे पूछ रहे हैं मैग्निफिकेशन तो हम फिर से लिखेंगे यूजिंग एम इज इक्वल टू v बाई यू ठीक है हम वी और v की u की वैल्यू पुट कर देते हैं v की वैल्यू दी हुई थी माइनस टेन ओके और u की वैल्यू हमने निकाली है माइनस थर्टी तो माइनस माइनस कैंसल जीरो जीरो कैंसल्स वन बाई थ्री विच मीन्स इट इज इक्वल टू प्लस जीरो पॉइंट थ्री थ्री को यूनिट नहीं होगा ठीक है तो अब यहाँ पे प्लस साइन हमें दिखा रहा है कि जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है ठीक है और जो डेसिमल है वो हमें दिखा रहा है कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है और हम सबको मालूम है कि अगर एक कन्केव लेंस है तो वो हमेशा हमें वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देगी तो विच मीन्स हमारा जवाब बिल्कुल सही है आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड मैग्नीफिकेशन के क्वेश्चंस कैसे करने हैं साइन कैसे चूज़ करना है Uh, और उसका रिलेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से कैसे निकलता है सिमिलैरिटी मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन क्लियर आउट इन दिस वीडियोस और आगे अब मैं इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा आज के लिए बस इतना ही थैंक यू वेरी मच